तो गाइस सुबह सुबह ही ये लोग आ चुके हैं, उधर आ चुका है अर्ज और इधर आ चुके हैं ये जोहान चुष्की, और मेरे लिए लेकर आया है गिफ्ट में दो कोन जो इनको मिले थे बर्थडे के गिफ्ट में। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। रमजान नहीं है आपका? अच्छा ये कौन सा रमजान है? हाँ और कह रहे हैं पूरे चल रहे हैं, पूरे चल रहे हैं रमजान, इसके कोई क्या मत देना, आगे चल रहे देख ले पूरे रमजान है पूरे। ओफो हाय गाइस, नमाज पढ़ने के लिए और मम्मा लगी पड़ी हैं अपने काम में, नमाज में जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। देखा अंगूठी भी लगी है, कमाल ऐसी सफा के मारती रहती है मम्मा, खुद ही लग गया फवा का, अल्लाह के बंदे को नहीं मारते मैं किस चीज का बंदा हूँ? बंदी हो। ठीक है गाइस, सब सबसे पहले नमाज पढ़ने निकलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या कलाकारियां होने वाली है आज घर में। ठीक है गाइस, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय गाइस। ओफो कुल्फी, कुल्फी खानी है? हाँ। अरे मैं अभी बरेली वालों है, इनको नहीं खानी है, रोजा है मेरा। अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस हमारी नमाज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं थक चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ क्या करूँ, लेकिन काम भी बहुत है मुझे करने के लिए। अब मम्मा जो है वो अपने काम में लगेंगी, मैं अपने काम में लगूंगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, वो आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। पीपू का कमेंट दिन में आ गया, कह रही है मैं आंटी कहूंगी कहूंगी। आप भी मुक्या देना संभाल के, उसके लिए मना थोड़ी नहीं किया था, अफवाह, बड़ी बड़ी लड़कियों के लिए मना किया था। हाँ, छोटी बच्चियां जा सकती हैं, एक दो साल की फिर ताजा ताजा जो पैदा हुई है वो उनके लिए छूट है, उनके लिए छूट है, बाकी सबके लिए कुछ नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर अपने कमरे में और यहाँ पर हम अपना काम अधूरा छोड़ गए थे, सो करते हैं जल्दी से। और यहाँ पर हमने बल्ला रख लिया था, किस लिए? यहाँ पर मच्छर मारने के लिए, यहाँ पर बर्रैया, तो उसको मैंने सोचा कि लपेट देंगे क्योंकि यहाँ पर छत बनाने की कोशिश कर रही है वो, ठीक है हम बनाने देंगे। और गाइस फाइनली अब मम्मा ने चीजों को बनाना स्टार्ट कर दिया है और आज मम्मा बनाने वाली है कीमे की एक, जहां पर मतलब बिकती है ना जो रेडीमेड वाली कचौड़ी, वाली कचौड़ियां बना रही है, कबाबी के यहाँ वाली कचौड़ियां। और एक लड़की का कमेंट आया था शब्बो खान लेकर हुआ था, वो कह रही है आपकी मम्मा को कचौड़ियों के अलावा और कुछ बनाना आता है? फिर नहीं आता, नहीं आता। तो आज भी ये कचौड़ी मांग रहा है। देखो कचौड़ियां हमको पसंद है और दूसरी बात रमजान चल रहे हैं, तो रमजान में तो डेली कचौड़ी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस आज ये जो कचौड़ी है वो है सोडे वाली, इनकी डिमांड है सोडे वाली कचौड़ी बनाना। हाँ, तो मेरी डिमांड रहती है इसलिए, तो इसके अलावा मैं कुछ सीखती ही नहीं, देखो कुछ आता ही नहीं। अब जो मुझे पसंद होगा वो बनाएंगी ना मम्मा, या फिर आपके लिए बनाएंगी, या फिर आप आएंगे खाने के लिए, अगर आप आएंगी तो फिर इतनी डिशेस बना देंगी कि आपने कभी सोची भी ना होगी। नहीं क्यों नहीं, बाकी अभी हो चुका है असर का टाइम और वहां पर आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, 5:30 नहीं सॉरी 5:15 बजने वाले हैं। ठीक है गाइस अब मैं निकलता हूँ, और गाइस मैं आपको बता दूं मेरा चश्मा टूट गया, कितनी खुशी की बात है। ये देखो गाइस कैसे इसका एक शीशा निकल गया, वो देखा ये मेरा कमाल है, अभी बनवाया था मैंने, मैं भी इसमें सुई से टांके लगाऊंगी देखना, रोज चश्मा मैं भी नया बनवा के लाऊंगा। अरे गाइस यार अब तो मैं कैसे देखूंगा, चील की निगाह बनाना पड़ेगी मुझे, अब किसी में मुझे मामा नजर आएंगे तो किसी में कोई। चलो गाइस चलते हैं। हाँ क्या क्या बना लिया कचौड़ी, तो नहीं कचौड़ी हमने बनाऊंगी, आज से नफरत हो गई कचौड़ी। लो देख लो कचौड़ी बनाने ही बंद कर दी मम्मा ने, अब क्यों हो गया। और गाइस ये देखो ये बन रही है चटनी, ये पिस रही है चटनी, और ये है दाल जिसको मैंने बता दिया आपको चटनी, गलत फहमी पैदा हो गई गाइस, ये है असली चटनी। तो गाइस ये देखो ये दिख गई, ऐसी रख दो मम्मा ऐसी लगा खा लेंगे, नमक में लो। ये कचौड़ियां जो है हरी मिर्च और चटनी से ही अच्छी लगती है। अब मम्मा बचाएंगी सिल, क्योंकि हमने दी हुई है मिक्सी संभलने के लिए, लेकिन सदियां बीत गई लेकिन संभल कर ही नहीं आई आज तक। मैंने कहा था कि नहीं खरीद लो, लेकिन नहीं खरीदेंगी, नहीं खरीद क्यों खरीदे जब है तो वो है आराम कर रही है अपने, पूरे रमजान निकल गए समझ नहीं है, हमारे मामा के यहाँ पर है, मतलब मामा को दी हुई है, मामा ने संभलवाई नहीं है अब तक, और कहीं होती तो अब तक संभल भी जाती है, वो अपने मामा का घर है ना इस वजह से संभली नहीं है, क्या कह सकते हैं। तो ठीक है गाइस जब तक मिक्सी नहीं है तब तक बस ऐसे ही चलेगा सब कुछ।
लो गाइस, लो स्टार्ट हो चुकी है कचौड़ियाँ फिर से बनना। अब क्या होगा? नहीं बनाऊंगी तो क्या खाओगे? देखो इतना मजा आता है ना कचौड़ियों में, क्या बताऊँ आपको, कुछ नहीं बता सकता मैं। और ये वाली तो मेरी फेवरेट है, बहुत दिनों बाद, बहुत डिमांड के बाद बन रही है ये वाली। तो वो कैमरे पे नहीं कही ना आपने, इसलिए के लिए तो कब से बेच रहा था। कबाबी वाली कचौड़ियाँ हैं, कबाबी वाली आप खाएंगे तो मत होश हो जाएं। खाई होंगी जरूर, क्यों नहीं खाई होंगी। चलो गाइस ये देख सकते हैं आप, देख ले बाबा आगे ले खाना लेने के लिए। और ये देखो गाइस कैसे फूल कर आ रही है, ये है फूली हुई कचौड़ी वाली कचौड़ियाँ फुलवा। मजे मजे है मेरे। अब गाइस मैं नहीं रुक सकता, बस मगरिब की अजान हो जाए, मौलाना को देना पड़ेगी इस बात अजान कराने के लिए। तो गाइस अब फ्राई हो रहे हैं हमारे चिप्स जो कि हम लेकर आए थे, चुरमुरे चुरमुरे, लेकिन चुरमुरे नहीं है, चुरमुरे आपके धूप में सुखाए जाएंगे, आधे बंदर ले जाऊंगे। अफा क्या। तो गाइस फाइनली दस्तरखान पर हम बैठ चुके हैं, मम्मा बैठ चुकी हैं, बाबा बैठ चुके हैं और लग चुका है सारा सामान। ये देखो ये है आलू के बरख है, फिर उसके बाद है बिरयानी, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद है खजूर कचौड़ियाँ जिससे उनको नफरत है। मिर्चे अपने यहाँ की फेमस है ये कचौड़ी। हाँ ये हमारे यहाँ की फेमस है, गन्नौरवाला की बहुत खाते थे कबाबी की, यहाँ बोल के ली जाती है कबाबी वाली कचौड़ियाँ। हाँ और बाकी रखे हुए दो जुहान वाले कौन, और ये रखे हुए नमक पारे, ये चिप्स, ये खीरा और ये बड़े वाले चिप्स और ये जलेबियाँ। बस अब कितना खाएंगे हम। बाकी देखो गाइस हम आपको दिखाते हैं जैद की एक वीडियो, जैद पढ़ रहे हैं आयतुल कुर्सी, तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो भी आप सुनिए। और गाइस अब अजानें होने लगी हैं तो जल्दी से अब इफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस खा पी लिया है तो जल्दी से उठते हैं और नमाज पढ़ कर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फाइनली हमारी मगरिब की नमाज कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर हुआ आता हूँ, कुछ चीज बाहर की खा पी आते हैं, ठीक है मम्मा? आपके लिए लाऊं पैक करा। वैसे आज मैं जा रहा हूँ इस्लाम भाई के साथ, इस्लाम भाई के साथ बहुत दिनों से गए नहीं थे तो अब चलते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। और ये आ गया अपना तिराहा, ये उठाओ हमच और ये डोलो टच। अरे तो टूटा हुआ है, कमजोर लेग पीस है सारे। आहा तो भाई साहब हमारी लस्सी हो गई फिनिश। तो गाइस दो लस्सी हमने पैक भी करा ली है घर ले जाने के लिए। सर्दी करने के लिए रोजे शांति से गुजरने दो कि नहीं? अरे नहीं होगी सर्दी, सर्दी हो तो मेडिकल से दवा मंगा लेना। अच्छा, हम बताओ गर्म पानी पीते हैं बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ क्यों नहीं, अपने पिया थे जाके पीता है तो बढ़िया, थोड़ी गर्म हो जाए तो पियूं। अरे ठंडी पियो, ठीक है। तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ देते हैं। सबसे पहला कमेंट है, आप वहाँ पर रहते हो, हमारा एड्रेस ही इन्होंने बता दिया, उल्लू है क्या बिल्कुल ही। और वैसे कहती थी हम पाकिस्तान के और हमारा एड्रेस ही बता रहे हैं, अब कहाँ गया पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमारा मोहल्ला आ गया क्या। इसके बाद कमेंट है सानिया खान का, वो कह रही है लविश बोलते बहुत अच्छा हो, ऐसे ही कामयाबी मिले आपको लाइफ में, शुक्रिया आपका बहुत बहुत और इंशाल्लाह मिलेगी और आप दुआ करना। नीचे हमारी पीपू ने इनको रिप्लाई करते हुए कहा है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है लविश की, राइट स्पेलिंग ये है, उन्होंने लिख के बता दी। बेचारी इतनी पढ़ी लिखी है, लोगों को पढ़ा रही है। विद इजा इन्होंने लिखा है नाइस ब्रो, तो थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद कमेंट है फहीम पप्पू का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कमेंट मैं करती हूँ, और नाम अब्बू जान का क्यों लेते हो आप, मेरा नाम लीजिए अच्छा? पीहू, और मैं तो आपको शवाना आंटी ही बोलूंगी। ओके तो किसने मना किया आपको, बोलो बोलो बोलो, खूब बोलो खूब बोलो, दिल खोल के बोलो खोल के बोलो। और आपके अब्बू की आईडी पर नाम लिखा है, जिस आईडी से आप कमेंट करती हैं उस पर भी पीपू लिखो, तब हम आपका नाम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।
समीर अब्बासी का वो कहना है अस्सलाम वालेकुम, नाइस ब्लॉग। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिर है सबा अंसारी का कमेंट, कह रही है आपकी मम्मा अंडे आलू बहुत बनाती हैं, तो क्या बताएं, क्रेट लेकर आई थी शुरुआत में, उसको खत्म भी तो करना है, इसलिए खत्म नहीं हो रही है, तो तीन लोग हैं, कितना खाएंगे। फिर इसके बाद कमेंट है एसके प्रोवाइडर का, वो कह रहे हैं भाई आपके अब्बू अम्मी बहुत क्यूट है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद कमेंट है शब्बो खान का, वो कह रही थी आपकी मम्मा कचौड़ी के अलावा कुछ और बनाने आती है कि नहीं बनाती है, हमेशा कचौड़ी बनाती रहती है, तो और भी तो सामान बनाती हूँ इसके अलावा, देखो उन्हें दिखती नहीं है, मैंने इनको कमेंट में रिप्लाई कर दिया था, तो कह रही थी कि नहीं मेरी नजर सिर्फ कचौड़ियों पर जाती है, तो कचौड़ियों से ऐसी क्या दुश्मनी आपकी, ये बता दो मुझे, अच्छी नहीं लगती क्या, शायद ऐसे ही होगा, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो अच्छी लगाओ, किसी भी चीज को बुरा नहीं कहते। और गाइस कल के व्लॉग में आकिब ने भी कमेंट किया था, वो कह रहे थे मजला रोजा मुबारक हो, तो आपको भी, आपको भी। बाकी गाइस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, बाकी मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।